न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कथित भाजपा नेता केशव चौधरी पर लगे गंभीर आरोपों के बाद भाजपा जिला इकाई ने केशव चौधरी से किनारा कर लिया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव ने कहा कि केशव चौधरी न तो भाजपा के पदाधिकारी है और न ही भाजपा में कोई सदस्य। हाँ, केशव चौधरी पार्टी के वोटर जरूर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर लगाई गई शिकायत पर उचित प्रशासनिक कार्रवाई जरूर होगी। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने भी केशव चौधरी को लेकर सामने आई शिकायत को चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा है कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर पैसा ऐंठना बेहद चिंता का विषय है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह रेवाड़ी के रहने वाले दो लोगों ने कथित भाजपा नेता केशव चौधरी पर उन्हें गुमराह करके पैसे ऐंठने का गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें मुख्य तौर पर एक महिला को नौकरी और एक शख्स को रेलवे में पार्किंग के नाम पर पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि कथित भाजपा नेता केशव चौधरी अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बता चुके हैं और उनके द्वारा भी इसे लेकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन इस मामले में अभी पुलिस जांच का इंतजार बाकी है। मगर कुछ भी हो, यह मामला इन दिनों रेवाड़ी में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। केशव चौधरी, उन पर मुख्यमंत्री के नाम से पैसे लेकर नौकरी लगाने का आरोप लगे हैं। सीएम विंडो में शिकायत की है, एसपी को दी है और बहुत से लोगों ने इस तरह के आरोप लगा के, एक तरफ आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करते हैं और एक दूसरी तरफ इस तरह के जो मामले प्रकाश में आते हैं। देखिए, जिस दिन अखबार में आई थी दो तीन दिन पहले, जब भी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे से पूछा था और मैं आज फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि केशव चौधरी जी हमारे पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। वो वोटर हो सकते हैं लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, और रही पैसे लेने की देने की वो विषय तो या तो वही बता सकते हैं या फिर कोई जो देने वाला आरोप लगा रहा है वो बता सकता है। इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। जांच सही ढंग से हो, मुख्यमंत्री के नाम से पैसे लिए गए हैं तो जांच सही ढंग से, इस तरह के दिशा निर्देश तो पार्टी की तरफ से दिए जा सकते हैं। देखिए, जब सीएम विंडो लगी हुई बता रहे हो आप, तो सीएम विंडो पे जो एमिनेंट पर्सन बैठे हैं हमारे सरकार ने बैठा रखे हैं, वो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। धन्यवाद। भाजपा का कथित नेता है जो बड़े नेताओं के साथ उनके संपर्क में है, उसको लेकर कई लोगों ने जो है नौकरियों के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर नौकरी के पैसे लेने की बात है। मुख्यमंत्री से लेकर सीएम विंडो से लेकर एसपी तक को शिकायत दी गई है, ऐसे कई मामले उनके नाम से बाहर आ चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, अगर इस तरह का कोई मामला है तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और हमारे जो उपायुक्त हैं उनको जरूर इस मामले को देखना चाहिए कि बड़े चिंता का विषय है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो।